आज हम आपको एलएनटी का स्टार्टर का कनेक्शन समझाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना, एक तो आपने ये नीली वाली तार निकालनी है, एक ये लाल वाली तार निकलेगी और एक ये जो तार साइड से जा रही है ये वाली, ये इधर लगी हुई है, ये तीन तारे निकलेंगी इसकी। वीडियो बनाओगे? टाइट हो गया कि बचा? टाइट तो हो गया आपको। टाइट होने के बाद टूटा है ऊपर वाले करने में, नीचे वाले में टूटा है। हाँ, टाइट कर दिया आपने पूरा। दोबारा बाद में उसके से जैसे लीक है जरूर होना तो नहीं चाहिए। जल्दी से कराओ, ईट तो आ गई है भाई, ईट भी तो नहीं आई है, ईट आ गई है, तब से ईट चल रही है, ओवर ईट तो कर रहे हैं। नीचे भी बंद भी तो कर देते थे तो काम करने ये नीचे हमारी मोटर के तीन तार लगेगी, ये हमारी ऑटो कट की तार लगी है दो, दूसरे चौथे पॉइंट में
नीचे हमारी तीन फेस में मोटर की तार लगेगी। ये ऊपर ये तीन मेन की तार लगेगी हमारी। एक बार इसके कनेक्शन टाइट करके चेक कर लेंगे दोबारा, फिर हम इसको चालू कर लेंगे। इससे पहले एक बार इसका रिले हम 24 पे कर देंगे, क्योंकि तो हमारी 10 की मोटर है ये, तो ये 22 एम्पियर तक लेती है, तो हम इसको 24 पे कर देंगे। और एक बार ये वाला बटन दबा के छोड़ देंगे ताकि ये रीसेट हो जाए। अगर आप ये बटन नहीं दबाओगे तो स्टार्टर चालू नहीं होगा। आप सोचोगे कि स्टार्टर ख़राब है या लाइट नहीं आ रही है, मैन उठाओ। अभी इसका मैन उठा के दिखाते हैं चालू होगा। एक बार चक्कर चेक करेंगे उल्टे सीधे का, सीधे होगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर उल्टे होगा तो एक बार कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे इसको हमारे। ठीक है, हवा पूरी है। चालू हो गया ये,
मैं आपको दोबारा कनेक्शन समझा देता हूँ। ये देखिए ऑटो कट के दो पॉइंट हैं हमारे, ऑटो कट से दो तार हमारी इस स्टार्टर में गई है, दूसरे और चौथे पॉइंट में। दूसरे और चौथे पॉइंट में ऑटो कट का तार लगेगा हमारा, ऊपर मैन के तीन तार है 1 2 3, और ठीक इसके नीचे तीन तार मोटर की लगेगी 1 2 3। और हमने आपको बताया था इसके तीन तार हमने निकाले थे, वो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। तो तीन तार निकाल लोगे तो हमारा ऑटो कट काम करता रहेगा, बंद चालू करता रहेगा। देखिए मोटर स्टार्टर MU2 मॉडल है, ये MU2 मॉडल के हमने आपको कनेक्शन समझाए थे आज, LNT का MU2। लाल को दबा के लो करना पड़ेगा, अगर हमें कंप्रेसर बीच में बंद करना है तो लाल से बंद होगा, लाल से चालू होगा। हरा कनेक्ट, हरा बटन काम नहीं करेगा इसके अंदर, क्योंकि हरा का कनेक्शन हमने निकाल के इसके अल्फा के ऑटो कट में डाल दिया है, ताकि ऑटोमेटिक अपने आप चालू अपने आप बंद होता रहे। अगर हरा बटन का कनेक्शन नहीं निकालेंगे तो कंप्रेसर अपने आप बंद तो हो जाएगा, लेकिन चालू करने के लिए लड़के को बार बार ये हरा बटन दबाना पड़ेगा, जिससे कि दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब भी चालू हुआ बंद करना है, ये लाल लॉक हटाएंगे लाल बटन का, चालू हो जाएगा, लाल से बंद हो जाएगा लाल। कंप्रेसर ये कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं आप, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।